जो प्रत्याशी हैं मौजूदा सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया ने चुनाव के दिन बीजेपी उम्मीदवार का खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि उनका इरादा क्या है। मौजूदा सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया जिन सिटिंग सांसद की बात कर रहे हैं वो कौशाम्बी के विनोद सोनकर है। बीजेपी ने फिर से इन्हीं को उतारा है। पिछले दिनों राजा भैया के समर्थन के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ विनोद सोनकर भी उनके घर गए थे, लेकिन तब राजा भैया ने समर्थकों को स्वतंत्र होकर फैसला लेने के लिए कहा था। इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है वहां करना। हालांकि इस ऐलान के बाद राजा भैया के समर्थक खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए थे। अब राजा भैया ने तो हवा का रुख ही मौजूदा सांसद के खिलाफ बता दिया है। जो प्रत्याशी हैं मौजूदा सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उनका इलाका भी इसी क्षेत्र में आता है। कौशाम्बी में विधानसभा की 5 सीटें हैं, 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का। बीजेपी के विनोद सोनकर 2 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज से मुकाबला है। अब राजा भैया का असर इस सीट पर कैसा हुआ ये 4 जून को मालूम चलेगा।